तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनन का जो 3010 करके मॉडल का प्रिंटर आता है, जैसे 3010 2010 कैनन जी सीरीज़ का कौनता भी जो प्रिंटर आएगा, अगर उसमें एक साइड को पेपर जाम होता होगा, जैसे हमने प्रिंट की कमांड दी और ऐसा एक साइड में एक तो इधर साइड की साइड आएगा और या तो इधर की साइड आएगा, कौन सी भी एक साइड में आकर जाम पड़ेगा, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो आज की वीडियो में मैं फिक्स करने वाला हूँ। और जाम होने के बाद जो E03 का एरर आता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्रिंटर को करेंगे पावर ऑन। ये देखो मैंने प्रिंटर को कर दिया है पावर ऑन। पावर ऑन होने के बाद जो इनिशियलाइज होगा और इनिशियलाइज होने के बाद हम एक प्रिंट की कमांड देंगे और प्रिंट की कमांड देने के बाद प्रिंट तो ले लेगा। अगर E03 करके आ रहा होगा तो सबसे पहले हमें जो भी पेपर जाम हुआ होगा उसको निकाल लेना है। अगर वो निकाला तो E03 का एरर नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा E1 करके लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका भी ऐसा आ गया E03 का एरर सॉल्व होने के बाद, तो फिर देते हैं हम एक प्रिंट आउट की कमांड दी और उसके बाद हमारा जो पेपर है वो वन साइड के लिए जाम होगा। पेपर तो बाहर आ जाएगा, कोई किसी का तो आएगा ही नहीं, नहीं तो एक साइड को आके जाम हो जाएगा। देखते अब होता क्या है। प्रिंट की कमांड तो दे दी गई, इनिशियलाइज हो रहा है अभी तक। देखिए प्रिंट, ये देखो दोस्तों एक साइड को थोड़ा इधर की साइड हो रहा है, आपको दिखाई दिया होगा मेरा जो पेपर है वो इस साइड को आ रहा है, थोड़ा इधर की साइड हो रहा है। इसका जो है सॉल्यूशन है वो मैं बताता हूँ। अगर आपका भी ऐसा ही होगा तो फिर वीडियो को फॉलो करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप मैं जो करूँगा वैसा करते रहिए। आपका ऐसा होने के बाद जाम हो जाएगा, जैसे मेरा निकल आया वैसा ही आपका निकल आए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आपका एक तो जाम हो जाएगा, नहीं तो मेरे जैसे नीचे आ जाएगा। तो फिर से मैं दिखाता हूँ मेरा कैसा हो रहा है, फिर से एक कमांड दे के दिखाता। ये देखो दोस्तों, सिर्फ इस तरह से हमारा पेपर जाम होता है एक साइड मार के। तो इसका पूरा सोल्यूशन है। आपका भी ऐसा ही प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं, अपने भाई का वीडियो देखते रहिए और सोल्यूशन को भूल जाइए, सॉरी प्रॉब्लम को भूल जाइए, सोल्यूशन तो मिलेगा मेरे वीडियो में। अब सबसे पहले हम पावर ऑफ कर देते हैं। चलो पावर ऑफ कर दिए, तो हमें सबसे पहले जो जाम हुआ पेपर है उसको निकालना है। देखिए मैंने ज़बरदस्ती करके पेपर को तो निकाल दिया है, पेपर को कर देते साइड। अब हमें सिंपल ऊपर की तरफ खींचना है और अंदर की तरफ देखना है। पावर ऑफ कर दिया है कार्टेज, अगर आपका भी बीच में होगा तो उसको साइड में कर देना, जाएगा नहीं क्योंकि वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें ये फिर से ऑन करके कार्टेज को पूरा उस साइड में मार देना है। मुझे पता है सिंपल उस स्टेप में करके कार्टेज को तो कर दूंगा पीछे की तरफ। ये देखो मैंने कार्टेज को उधर की तरफ कर दिया, तो सिंपल हमें एक गियर दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला एक नंबर का गियर ये दिखा, इसको हमें घुमाना है सबसे पहले स्टेप। देखिए सबसे पहले स्टेप में हमें वो घुमाना है, वो घुमाने के बाद ये देखो अंदर जो नॉर्मल बारीक बारीक करके गियर है वो भी घूम रहे हैं। अगर इसमें कुछ आपका फंसा हुआ होगा तो वो निकल आएगा। ये कब फंसता है दोस्तों, इधर कुछ भी मैं बताता हूँ। जब आप ये ऊपर की तरफ ऐसा ओपन रखते, ओपन रखने के बाद आपका कुछ भी ऊपर की तरफ से गिर जाता है, जिससे हमारा पेन या डॉलर सब कुछ भी हो वो ऊपर से गिर जाता है। वो गिरने के कारण वो उधर फंस जाता है और फंसने के कारण वो अगर वन साइड में फंसा होगा एक साइड को, तो पेपर को उस साइड से आने नहीं देगा और एक साइड मार के वो पेपर को दे देगा। तो हमें सबसे पहले ये निकालने के लिए हमें कुछ भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं, ये जो बारीक स्क्रू ड्राइवर होगा तो उसकी मदद से आपको ये ऊपर की तरफ खींच खींच के, ये जो मैंने गियर घुमा रहा था वो गियर घुमाना है और उस जो फंसी हुई चीज़ है उसको निकालनी है। दोस्तों 100% इसमें कुछ तो फंसा होगा,
लेकिन आपको ये जो सब कुछ निकालना है ना, वो ध्यान से और धीरे धीरे निकालना है। अगर आपको कहीं भी दिखा कि यही हमारी वो चीज़ फंसी हुई, तो गियर घुमा घुमा के और ऐसे स्क्रू ड्राइवर से ऊपर कर करके उस चीज़ को निकाल देनी। तो मेरे को वीडियो बनाते वक्त तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ और उसके बाद ये निकाल मेरे मेरा क्या फंसा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे की तरफ से जो जाम हुई थी जो निकाल नहीं पाया, तो मैं पीछे की तरफ आके और एक स्टेप वो यूज़ करूँगा। ये जो ऊपर का फ्लैप दिखाई होगा आपको, उसको मैं निकालूंगा। इसको निकालने के लिए सिंपल दो स्क्रू है, दोनों स्क्रू निकालने के बाद ऊपर का फ्लैप निकालूंगा और उसके बाद मेरे को कुछ मिलता है क्या वो देखिए। इसको दोनों स्क्रू निकाल कर बाहर की तरफ कर दिया है। आपको वीडियो में सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमें इधर से आसानी जाएगी कोई चीज़ शो करने के लिए। इधर से जैसे मैं हाथ डालूंगा और शो करूंगा क्या है क्या नहीं है। तो चलो करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ मैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी मेहनत के बाद हमारी जो प्रॉब्लम था वो हमें मिल गया है। ये जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मुझे मिला वो पूरे प्रिंटर ओपन करने के बाद मिला मुझे। वो पीछे से भी वो निकल नहीं पाया और ये जो आगे से मैंने बोला था सबसे पहले वहाँ से भी नहीं निकल नहीं पाया। तो फिर मुझे इस पूरा का पूरा प्रिंटर खोलना पड़ा। ये देखो, आप देख सकते हैं इसके स्पेयर भी, देखो पूरा प्रिंटर ओपन करना पड़ा। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ किधर मेरा जो प्रॉब्लम था। ये देखो दोस्तों, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ देखिए दोस्तों, माचिस की हमें लकड़ी दिखाई दे रही होगी। जो माचिस की लकड़ी है वो हमारी इधर फंसी हुई है। ये देखिए माचिस की लकड़ी। आपका भी प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो गया होगा तो बहुत बढ़िया है। पहली दूसरी स्टेप में हो जाए तो अच्छा ही, नहीं तो आपको ये स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। इस स्टेप में सबसे पहले आपको पूरा प्रिंटर ओपन करना है। आपको अगर ओपन करना आता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ओपन कैसे करते हो उसका वीडियो पहले देख लो और उसके बाद ये लकड़ी को निकाल लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो की सहायता से आपको कुछ हेल्प हुई होगी तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।